हाँ जी नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब राजस्थान पर। इस चैनल के माध्यम से मैं राजस्थान की समस्त वैकेंसी की अपडेट है वो प्रोवाइड करवाता हूँ। चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको राजस्थान गवर्नमेंट की समस्त भर्तियों की अपडेट है वो इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। बात करेंगे आज के वीडियो में BSCC एग्ज़ाम 2023 को लेकर। बिल्कुल, इसकी फर्स्ट सूची को लेकर क्या अपडेट है, कब तक है वो, आपकी फर्स्ट सूची आने की संभावना है इसको लेकर है वो विशेष चर्चा है वो इस वीडियो के माध्यम से है वो रहने वाली है। ठीक है, बात करें फर्स्ट BSCC एग्ज़ाम 2023 की, तो बिल्कुल इसका एग्ज़ाम काफ़ी यानी कि रिजल्ट आए और जो अपनी काउंसलिंग है उसको बंद हुए लगभग 1 महीना होने को है, क्योंकि 18 तारीख को इसकी काउंसलिंग बंद हुई थी और आज अगर मैं बात करूँ तो 14 तारीख है। ठीक है, तो यही है कि भाई इसका कब तक है वो जो अपना फर्स्ट सूची है वो जारी हो सकता है इसको लेकर क्या अपडेट है। जैसे जो बीकानेर पंजीयक बोर्ड है उसकी बात करें, बिल्कुल अपना जो प्री DLT पंजीयक बोर्ड है, पंजीयक जो शिक्षा विभाग ये परीक्षाएं है वो आयोजित करवाता है भाई राजस्थान में। ठीक है, उसके द्वारा आप बिल्कुल क्या अपडेट है वो दी जा रही है 2023 की, जो अपनी BSTC जो एग्ज़ाम है इसकी जो फर्स्ट सूची है जो कॉलेज अलॉटमेंट की उसको लेकर है वो वर्तमान में क्या अपडेट है वो यहाँ से मिल पा रही है। तो इनका कहना है कि इसी सप्ताह के अंदर अंदर है वो आपकी फर्स्ट लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। हालांकि अपडेट है वो उनके उनसे फ़ोन पर बात करके ही ली गई है, लेकिन अभी क्या है जो अपने राजस्थान में चुनाव चल रहे हैं तो उसको लेकर है वो बिल्कुल काफ़ी कर्मचारी है वो उस चीज़ में बिजी है, उसको लेकर है वो बिल्कुल ये देरी है वो देखने को मिल रही है। ठीक है, इसमें समय लग रहा है, वरना कब तक है सॉरी अब तक है वो आपकी काउंसलिंग है वो मतलब जो कॉलेज अलॉटमेंट की सूची है वो जारी कर दी जाती है, लेकिन जो अपना चुनाव आयोग है यानी कि जो आचार संहिता लगी हुई है तो इसमें बिल्कुल कर्मचारी है वो काफ़ी बिजी है, यानी कि जो बोर्ड के जो कर्मचारी है वो फ्री नहीं होने की वजह से वो बिल्कुल या कम कर्मचारी उपस्थित होने की वजह से इसमें देरी हो रही है। उम्मीद है कि इस सप्ताह है वो आपकी बिल्कुल फर्स्ट सूची है वो जारी कर दी जाए, क्योंकि काफ़ी अवेयर थे इंतज़ार में भाई। ठीक है, लंबे समय से फर्स्ट सूची को लेकर इंतज़ार कर रहे हैं, तो बोर्ड को है वो बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि भाई जल्दी से ये फर्स्ट सूची है वो जल्दी से जारी कर दे, ताकि बिल्कुल जो भी अभ्यर्थी योग्य है उसको कॉलेज है वो समय पर मिल पाए, उसका सेशन समय पर स्टार्ट हो सके और उसको जो भी आगे का प्रोसेस है यानी कि उसकी जो BSCC है वो समय पर कंप्लीट हो सके। ठीक है, ताकि आगामी जो भी भर्ती आती है, नई सरकार जो भी भर्तियाँ निकालती है उनकी है वो उसको फ़ायदा समय पर मिल पाए। ठीक है, बाकी बात करें इसके कट ऑफ को लेकर या नंबर को लेकर, तो बिल्कुल 400 प्लस है तो वो तो निश्चिंत रही है, बाकी 350 प्लस है तो भी बिल्कुल उम्मीद रहेगी। ठीक है, बाकी आगे और अपडेट आएगी इससे संबंधित तो और दूंगा, अभी तक यही है कि भाई इस सप्ताह में आपकी बिल्कुल फर्स्ट सूची है वो जारी कर दी जाएगी। ठीक है, बाकी आप जुड़े रहे हमसे, आगे कोई अपडेट आएगी तो आपको और दे दी जाएगी। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम, जय हिंद।